गाइस GTA 5 एक ऐसा गेम है जिसे आप कितना ही खेल लो लेकिन फिर भी उसमें कोई ना कोई सीक्रेट मिल ही जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 सीक्रेट्स के बारे में बताऊंगा जो आपने नहीं सुने होंगे और मैंने अपनी पुरानी GTA 5 की वीडियोस में भी उन्हें नहीं कवर करा है। और वैसे भी अब तो आपके पास GTA 5 विद ऑनलाइन वर्जन होगा तो आप जाकर इन सीक्रेट्स को देख भी सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। कुछ प्लेयर्स ने GTA ऑनलाइन का एक ऐसा बग एक्सपीरियंस किया है जो बिल्कुल बर्म्यूडा ट्रायंगल की तरह लगता है। वैसे आपको बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में तो पता ही होगा, ये सदर्न फ्लोरिडा, पोर्टो रिको और आइलैंड ऑफ बर्म्यूडा के बीच का एक ऐसा ट्रायंगुलर रीजन है जहाँ शिप्स और प्लेन्स डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये काफ़ी मिस्टीरियस जगह है और इसको लेकर काफ़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं जो सजेस्ट करती हैं कि ये एलियंस या मॉन्स्टर्स या डायमेंशनल पोर्टल्स या फिर शायद अटलांटिस की वजह से होता है। अब बर्म्यूडा ट्रायंगल की इस मिस्ट्री को लेकर तो ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन GTA ऑनलाइन में भी ऐसा बर्म्यूडा ट्रायंगल जैसी कोई जगह है। पलेटो बंकर पॉइंट्स, यॉट ए सीरीज और नॉर्थ एंड ऑफ पलेटो बेक में एक ऐसा ट्रायंगुलर एरिया बनता है कि अगर कोई शिप या प्लेन उस जगह में जाएगा तो प्लेयर कोस्ट पर वापस टेलीपोर्ट हो जाएगा और उसका व्हीकल भी गायब हो जाएगा। कभी कभी तो वो शिप या एयरक्राफ्ट पानी में ही डूब जाता है। अब इस बग को एक्टिवेट करने के लिए आपको प्लेन कितनी हाइट पे उड़ाना होगा ये तो नहीं पता, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स ने इस बग को टेस्ट और कंफर्म किया है। रॉकस्टार गेम्स ने भी इस बग पर रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि ये बग किस वजह से हो रहा है, तो आप इस बग को चेक करके ज़रूर देखना कि ये अभी सही हुआ है या नहीं हुआ। मैं इसे टेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि मैं एक पुराने ट्यूटोरियल को बनाने के चक्कर में मेरा GTA 5 भी डिलीट हो गया और अब मुझे वो 94 GB का GTA 5 दोबारा डाउनलोड करना पड़ेगा। GTA 5 में फ़ोन को लेकर एक सीक्रेट है। अगर आप इस सीक्रेट फ़ोन नंबर मिलाओगे तो हवा में एक एक्सप्लोजन होगा और ये फ़ोन नंबर स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा। अभी एक्सप्लोजन क्यों हो रहा है इसके बारे में तो पता नहीं, लेकिन हाँ ये नंबर मिलाते ही आपके फ़ोन का लेआउट बिगड़ जाता है, जिसे दोबारा मिलाने पर वापस ठीक भी हो जाता है। और ये वाली ट्रिक सिर्फ GTA स्टोरी मोड में ही काम करती है। ये ग्लिच क्यों हो रहा है इसके बारे में तो पता नहीं। पहले लोगों को लगा कि इससे कुछ ओपन हो जाता होगा या कुछ मिल जाएगा, फिर उन्हें लगा कि इससे कोई ईस्टर एग होता होगा, मतलब कुछ ईस्टर एग अनलॉक हो जाता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो ये लगता है कि ये प्रोलॉग में जब फ़ोन मिला के डिटोनेट करते हैं हम, तो शायद ये उसी का रेफरेंस होगा या वैसे ही कुछ होगा। आप भी एक बार ट्राई करके देखना और इसके बारे में आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में बताना। GTA 5 में एक NPC है जो बिल्कुल काने वेस्ट जैसा दिखता है। काने वेस्ट बहुत पॉपुलर और थोड़ा कंट्रोवर्शियल म्यूजिक स्टार है जिसने गोल्ड डिगर और हार्टलेस जैसे हिट रैप सॉन्ग्स दिए हैं। अभी जो NPC है ये बहुत हद तक उसकी तरह लगता है। रॉकस्टार ने तो कंफर्म नहीं किया है, लेकिन फैन थ्योरी तो यही है ये काने का ईस्टर एग है। अब अगर आपको इस NPC को ढूंढना है तो ये इतना आसानी से नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। आपको अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेंगी क्योंकि ये NPC रैंडमली कहीं भी स्पॉन हो सकता है और कभी भी आ सकता है। बस कुछ लोग इसे ढूंढ पाए हैं और फिर ये फोटो इंटरनेट पर डाली गई। GTA 5 में एक अजीब सा क्रीचर है जिसका नाम है गोटमैन। ये एक सेमी ह्यूमन क्रीचर है जिसे कुछ प्लेयर्स ने देखा है और ये मोस्टली कैटफिश व्यू ब्रिज एरिया के पास ही दिखता है। इसकी पूरी बॉडी पर फर है और इसके सिर पर सिंग दिख जाएंगे। माना जाता है कि रियल लाइफ में गोटमैन नाम का क्रीचर साउथ टेक्सास के ओल्ड एल्टन ब्रिज के पास दिखता है। वहाँ के रहने वाले कहते हैं कि अगर कोई कार बिना हेडलाइट्स ऑन करे ब्रिज क्रॉस करती है तो एक गोटमैन खुद बाहर आ जाएगा, और यही सेम चीज़ गेम में भी हो रही है। और ओल्ड एल्टन ब्रिज गेम के कैटफिश ब्रिज जैसा दिखता है, तो ये एक ईस्टर एग हो सकता है जो रॉकस्टार ने इंटेंशनली डाला हो। अब इसको देखना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो रेयरली स्पॉन होता है। एक लकी प्लेयर ने गोटमैन की फोटो खींच ली थी जब वो ब्रिज के बीच में खड़ा था, फिर वो ब्रिज के नीचे भाग गया। एक यूट्यूब वीडियो में वो झाड़ियों में छिपा हुआ भी दिख जाएगा। अब आप भी ट्राई करना कि आपको दिखता है या नहीं। अगर दिखे तो उसकी फोटो या वीडियो इंस्टा पे डाल के मुझे टैग करना @lazy_assassin। GTA 5 गेम में हमें मूवीज एंड टीवी शोज के ढेरों रेफरेंसेस मिलते हैं। उसमें से एक बहुत ही पॉपुलर ईस्टर एग है थेल्मा एंड लुइस मूवी का। इस 1991 की फिल्म में दो विमेन एक शॉर्ट ट्रिप पर जाने का डिसाइड करती हैं, लेकिन चीज़ें इतनी सही नहीं हो पाती और एंड में वो दोनों कार में बैठकर ग्रैंड कैनियन से कूद जाती हैं। इसी सीन को बहुत क्लोजली रिक्रिएट किया गया है GTA 5 में। अगर आप गेम में शाम के 7-8 बजे के बीच में इस लोकेशन पर जाते हो तो आपको सेम सीन होता हुआ दिख जाएगा। ये जगह माउंट चिलियार्ड में रेटन कैनियन के पास मिलती है। बिल्कुल मूवी की तरह वहाँ एक हेलीकॉप्टर और कुछ पुलिस है, फिर एक गाड़ी वहाँ से कूद जाती है। अब मूवी में तो वो बचते हैं या नहीं ये पता नहीं, लेकिन गेम में तो कुछ भी हो सकता है। मतलब किसी दिन हो सकता है वो बच जाएंगे या किसी दिन हो सकता है कि वो नहीं बचेंगे। GTA 5 में ओशियन फ्लोर पर कुछ मिस्टीरियस जायंट बोन्स मिलती हैं जो हो सकता है कि मेगलोडोन की हो।
मेगलोडोन एक मिथिकल एंसेस्ट्रल शार्क है जो लॉस सैंटोस के किनारे दिखती है। हर जीटीए गेम में ऐसे ही क्रीचर्स एंड शार्क्स के र्यूमर्स हैं। अब आप डाइविंग इक्विपमेंट पहनकर या फिर किसी सबमरीन में बैठकर वहां जाओगे तो आपको दो बड़े स्केलेटन्स दिख जाएंगे जो कि मिट्टी में दबे हुए हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद जीटी कम्युनिटी की डिबेट में फैसला निकल कर आया कि स्पर्म व्हेल का स्केलेटन है जो कैलिफोर्निया कोस्ट पर आमतौर पर देखी जाती है। अब अगर आप ये ढूंढने जा रहे हो तो डाइविंग इक्विपमेंट पहनकर जाना, वरना ज्यादा देर सांस नहीं रोक पाओगे और अगले दिन हॉस्पिटल के बाहर मिलोगे। आप GTA 5 में एक मर्डर मिस्ट्री भी सॉल्व कर सकते हो और इसे ढूंढना थोड़ा सा ट्रिकी है। आपको GTA 5 पहले PS3 एंड Xbox 360 वाले वर्जन पर कंप्लीट करना होगा और ये मर्डर मिस्ट्री सिर्फ माइकल ही सॉल्व कर सकता है। आपको पूरे लॉस सैंटोस में चार क्लूज ढूंढने होंगे जो फिल्म इंडस्ट्री के किसी बंदे के मर्डर की ओर इशारा करते हैं। फिर फोर्ट सैंक्यूडो के पास आपको ओशन फ्लोर पर एक लेडी की बॉडी मिलेगी जिसके पैर पर कंक्रीट ब्लॉक बंधा हुआ है। फिर सोलोमन की डेस्क पर एक लेटर रखा हुआ मिलेगा जिसमें फ्रेड क्विंसी ने कन्फेस करते हुए कहा है कि उसने अपने एसोसिएट आइसैक और सेक्रेटरी का मर्डर किया है। ग्रेट चैपरल के एक बंद माइन के गेट को अगर आप बॉम्ब से उड़ा दोगे तो आपको आइसैक की बॉडी मिलेगी और एक फिल्म रील भी पड़ी मिलेगी। वैसे तो कुछ प्लेयर्स ने गोस्टली फुटस्टेप्स भी सुने हैं लेकिन इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अब GTA 5 में आपको बहुत सारे पॉप कल्चर रेफरेंसेस मिलते हैं। उनमें से एक मिलता है ला मेसा की कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी में। यहाँ एक स्नोमैन है जो आपकी तरफ ही देख रहा होगा। ये स्नोमैन रेफरेंस है फ्रॉस्टी द स्नोमैन का, जो एक पॉपुलर फिक्शनल करेक्टर है और इस साइज में काफी बड़ा दिखाया गया है गेम में। मे बी डेवलपमेंट टीम में कोई फ्रॉस्टी का फैन होगा जिसने गेम में डाला होगा। सैंडी शोर्स के पास एक हिल है जहाँ कुछ पिक्चर्स और वर्ड्स बने हैं और ये एलियंस एंड UFOs के हैं। वहाँ एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर लिखा है 6EQUJ5 जो फेमस वाओ सिग्नल का रेफरेंस है। अब अगर आपको नहीं पता तो बता दूं गाइस कि 15 अगस्त 1977 को एक रियल सिग्नल मिला था। बिग ईयर रेडियो ऑब्जर्वेटरी पर साइंटिस्ट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च कर रहे थे और उन्हें एक अनयूजुअल सिग्नल मिला जो माना जाता है कि शायद एलियन सिग्नल था और इसके साइड में वाओ लिख दिया गया। तो बेसिकली यही सेम सिग्नल GTA 5 में भी दिखाया गया है और एक ईस्टर एग की तरह छोड़ा गया है। वैसे मैं बता दूं ऐसी जानकारी के लिए कि कुछ साल पहले ही पेरिस के एस्ट्रोनॉमर्स ने पता लगाया कि वो वाओ सिग्नल एक्चुअल में कॉमेट से आया था, यानी कि वो एक नेचुरल इवेंट था ना कि कोई एलियन इवेंट। अब GTA 5 में बहुत से UFOs भी दिखाए गए हैं। उनमें से एक मैंने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था और वो तो रियल लाइफ UFO पर बेस्ड था, तो उस वीडियो को इसके बाद देखना जरूर। अब अगर आपने गेम को 100% कंप्लीट कर लिया है तो आप ये ईस्टर एग भी अनलॉक कर सकते हो जिसमें आपको UFOs मिलेंगे तीन अलग अलग लोकेशंस पर, एक बीमियप पर, फिर फोर्ट सैंक्यूडो पर, फिर माउंट चिलियार्ड पर। मैं आपको माउंट चिलियार्ड वाला बताता हूँ। तो गेम को 100% कंप्लीट करने के बाद आप वहाँ जब जाओगे सुबह के 3 बजे, तो ये तभी होता है कि जब कोई तूफान आ रखा हो और तब आपको एक UFO दिखेगा। अब वैसे तो जब आप उस UFO के पास जाओगे तो वो गायब होने लगेगा और अगर आप उसके कोई गन शॉट फायर करोगे या फिर कोई रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट धागोगे तो वो भी उसके आर पार चला जाएगा। तो ऐसे में वो होलोग्राम लगता है कि कोई ह्यूमन जो है कोई मज़े ले रहा है एक्चुअल में और वो होलोग्राम से वो इमेज बना रहा है और उस पर FIB भी लिखा है। तो वो क्या है, वो क्यों है, इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन वो ईस्टर एग क्लियर जो रॉकस्टार ने छोड़ा है। तो गाइस बस यही थे वो 10 सीक्रेट्स जो मेरे को आपको बताने थे GTA 5 के बारे में। वैसे तो और भी बहुत सारे होंगे और इस लिस्ट में जैसे भी कुछ ऐसे होंगे जो कि अनसॉल्वड हैं। तो यार मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा करें कि हम GTA 5 के ईस्टर एग्स या फिर किसी भी गेम के ईस्टर एग्स के ऊपर रिसर्च करें, कि मतलब उन्हें गेम में ढूंढे, उनके प्रूफ्स ढूंढे कि वो क्या हैं, कैसे हैं, ये सब के बारे में। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना डिस्कॉर्ड पे ही मैं एक चैनल बना लेता हूँ अपना और उस पर हम इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऐसा कीजिए कि आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले ही लिंक मिल जाएगा आपको। तो फिर वहाँ पे मैं एक चैनल बना दूंगा अभी कुछ दिनों में और वहाँ पे हम गेम के ईस्टर एग्स के बारे में रिसर्च करेंगे। सही है, मतलब साथ में रिसर्च करेंगे, कुछ मज़ा भी आएगा करने में। अच्छा गाइस ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही गेमिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइज़।